जिला में देखा जाए तो करीब 1300 सैंपल का अभी तक जांच हो गया है, और 1300 सैंपल में से हम लोगों ने 250-250 सैंपल लगभग भेजे थे जांच के लिए, उसमें से एक व्यक्ति पॉजिटिव आया और वो 18 वार्ड का निवासी था, तो बगल में ही रहता था, तो उसको अफेक्टेड पाया गया। उसकी हार्डवेयर की दुकान थी, तो हो सकता है किसी कस्टमर से आया हो। इसी तरीके से फिर हम लोग ने कल फिर हम लोग ने 250 करीब 255 हम लोग ने सैंपल्स भेजे थे जांच के लिए, उसमें से मात्र एक व्यक्ति का पॉजिटिव होने का सूचना आज प्राप्त हुआ है। तो वो व्यक्ति भी जो है नरेश मंडल करके है, उसकी किराना की दुकान है और वो वार्ड संख्या 23 का निवासी है, तो उसको भी लगता है किसी कस्टमर से हो सकता है कि उसको कोरोना संक्रमित हुआ हो। तो मात्र ये दोनों व्यक्ति लगभग 500 सैंपल में से 500 से अधिक मैं कहूँगी कि सैंपल्स में से मात्र दो व्यक्ति पिछले दो दिनों में अभी संक्रमित पाए गए हैं। तो उनके परिवारों को होम क्वारंटाइन करके उनके परिवार के पूरे सदस्य जितने भी सदस्य हैं सभी का सैंपल प्राप्त किया जा रहा है कि उनके परिवार में तो कहीं आगे नहीं बढ़ गया है कोरोना, तो उनके सभी के सैंपल भी जाँच हेतु भेजे जाएंगे और उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनके भी सैंपल हम लोग ने कलेक्ट कर लिए हैं आज, तो वो सभी आज जांच में जाएंगे तो एक दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। लगभग 250 से कम तो नहीं जा रहे हैं, और आज भी अभी तक का फिगर तो है करीब 205 हो गए हैं, तो रात तक करीब और हो जाएंगे 40-50, तो आज भी करीब 250 सैंपल जाँच के लिए जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 250 सैंपल में एक या दो केस निकल रहा है, तो एक बार जब बीच में 25 आ गया था सडनली कि अब 10 या 20 आ जाते थे तो वो बात नहीं है। तो अभी फिलहाल आज भी लगभग 250 सैंपल जांच के लिए जाएंगे, तो उसमें से अब देखिए कितना केस निकलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हम लोग ने पिछले 2-3 दिनों में जो सैंपल भेजे हैं तो मात्र एक एक केस आया है, तो 500 में सिर्फ 2 केस आए हैं, तो ये अच्छी बात है कि कोरोना का जो संक्रमण है थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। और हम लोग ने सारे क्वारंटाइन सेंटर्स बंद कर दिए, तो अभी किसी परिवार को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा, होम क्वारंटाइन में ही लोग रहेंगे जब तक उनकी जांच नेगेटिव नहीं आती। जो मैम हो सकता है कि आपस में मिलने जुलने से लोगों का कांटेक्ट बढ़ने से और संक्रमित व्यक्ति के साथ कांटेक्ट रखने से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ गए। तो मैम ये जिला तो रेड जोन में आ गया मैम, इसको लेकर खासकर क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या तैयारियाँ हैं खासकर के मैम? सबसे पहले तो कोरोना की डिजीज़ का जो स्प्रेड है वो पहले कंट्रोल में आ जाए, और हम लोगों ने 2 आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, एक क्वींस रोड हॉस्टल है और एक GNM स्कूल है, तो इन दोनों में ही अधिकतर पेशेंट्स को हम लोग रख रहे हैं और उनको वहीं पर रख के उनकी जो ट्रैकिंग है वो की जा रही है। 60 वर्ष से अधिक है तो उन लोग को जो मेडिकल हिस्ट्री उनकी देखी जाती है और मेडिकल हिस्ट्री भेजी जाती है NMCH, तो वहाँ पर जैसा होता है अगर उस व्यक्ति को और भी बीमारियाँ हैं और साथ में कोरोना हो गया है तो फिर वो लोग एडवाइस करते हैं कि उसको NMCH भेज दिया जाए, तो उन मामलों में हम लोग NMCH उसको रेफर कर देते हैं, तो वो वहीं पर फिर उसकी आगे की जो चिकित्सा होती है वहीं की जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो कोरोना कंट्रोल करने पर ही पूरा ध्यान है, और ये पहले कंट्रोल में आ जाए तो रेड जोन से बाहर निकलने में भी जिला को समय लगेगा, तो उसके बाद भी कम से कम 14 दिन तो वॉच रखना होगा, 28 दिन वॉच रखना होगा, तब धीरे धीरे अगर केस कम होंगे तो जिला जो है रेड जोन से ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में आ जाएगा। 100% सर्वे कराया गया, मुंगेर जिला में भी 100% सर्वे चल रहा है, लगभग आज की डेट में 90% सर्वे कम्प्लीट हो चुका है। तो जमालपुर ग्रामीण में थोड़ा सा धीरे चल रहा है, लोगों को समझाने में ज़्यादा वक्त लगा, तो लेकिन उम्मीद है कि कल शाम तक फर्स्ट राउंड जो है सर्वे का वो पूरा हो जाएगा पूरे जिला में, मुंगेर जिला में, और जितने भी सिम्टोमेटिक व्यक्ति पाए जाएंगे जिनके पास लक्षण है इस टाइप के उनका सैम्पलिंग का जाँच भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि परसों तक पूरा हो जाएगा सैम्पलिंग का काम। तो इसी तरह बेगूसराय में भी कार्य किया गया, पूरे जिला का सर्वे किया गया सारे जिला का, और उसके बाद कोरोना में काफ़ी कंट्रोल आया,
और जो 9 केसेस थे उनके पास जो इनिशियली आए थे जो नज़र में, उसमें से भी 5 लोग, 4 लोग ठीक हो गए और 5 लोग अभी इलाज में।